राहुल भट्ट का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ कि घाटी में एक और सिलेक्टेड किलिंग की गई है। एक बेकसूर नॉन मुस्लिम टीचर को आतंकियों ने निशाना बनाया है। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के अंतर्गत पढ़ने वाले गोपालपुरा में आतंकियों ने एक हिंदू टीचर रजनी बाला की गोली मारकर हत्या कर दी है और पुलिस ने आतंकियों को पकड़ने के लिए पूरे इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। हमले की जिम्मेदारी फिलहाल किसी भी आतंकी संगठन ने नहीं ली है। रजनी बाला की हत्या के बाद जम्मू संभाग के सांबा जिले में उनके गांव नानकेचक में शोक की लहर दौड़ गई है। विभिन्न राजनीतिक और गैर राजनीतिक संगठनों ने इस हत्या के खिलाफ रोष प्रदर्शन शुरू कर दिया है। लोग आतंकियों के खिलाफ निर्णायक अभियान चलाने की मांग कर रहे हैं। कायर पाकिस्तानी दरिंदे आतंकवादियों ने कश्मीर घाटी को फिर लहूलुहान किया है। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम के एक स्कूल में काम करने वाली एक हिंदू महिला टीचर रजनी बालाजी की जिस प्रकार निर्मम हत्या की गई है, ये मानवता का कत्ल है। पिछले दिनों कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट साहब हो या टीवी कलाकार अमरीन भट्ट हो या रियाज अहमद ठोकर साहब हो या वहां के अंदर काम करने वाले पुलिस के जवान कादरी साहब जो अपनी छोटी नन्ही मुन्नी बच्ची को लेकर स्कूल जा रहे थे, पाकिस्तानी कायर दरिंदे आतंकवादियों ने उनको भी निशाना बनाया और आज फिर से एक कायराना हरकत इन कायर पाकिस्तानियों ने की है। जैसे राहुल भट्ट जी के कातिल आतंकवादियों और टीवी कलाकार अमरीन भट्ट के कातिल पाकिस्तानी आतंकवादियों को हमारी सेना और पुलिस ने 24 घंटे के अंदर अंदर उनका सफाया किया, श्रीमती रजनी देवी जी के इन कातिलों को भी जमीन के पाताल से निकाल निकाल कर मौत के घाट उतारेंगे। किलिंग का जो नया मोड मिलिटेंसी ने लिया है उसके ऊपर भी पुलिस हमारी काम कर रही है, वो इसका जवाब है, इसका जवाब भी देंगे और मुझे लगता है कि इस पर जल्द ही इस पर काबू जो है वो किया जाए। भारत सरकार जो है वो ऑलरेडी अपने काम कर रहे हैं, उनकी प्यारी नज़र है रियासत जम्मू कश्मीर के ऊपर। हम यहाँ से जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन भी अपना काम कर रही है। इक्का दुक्का कार्रवाई जो है कहीं कहीं इन लोगों की जो है क्योंकि इनकी बाकी जगह पर कोई प्रेजेंस रही नहीं, अब ये चोरी शिपे आके टारगेटिंग किलिंग का सहारा लेके काम कर रहे हैं। कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ, ये आतंकवादियों की कायरता को बताता है और वो बहन जो वहां जाके उनकी सेवा कर रही थी और जो निहत्थी थी उसी सोसाइटी में वहां पर उनके किराए पर रहती थी और उसको जाके जो है मार दिया, इससे ज्यादा घटिया कोई हरकत हो नहीं सकती। ये कौन सा जिहाद है, ये कौन सी जो है सोच को लागू करना चाहते हैं जम्मू कश्मीर में ये आतंकवादी, लेकिन ये सफल नहीं होंगे, ये स्पष्ट है। रजनी बाला अनुसूचित जाति वर्ग के कोटे से अपॉइंट की गई थी। उसकी पोस्टिंग 2009 में कश्मीर में हुई थी और उसके पति राजकुमार भी एक शिक्षक हैं। इनकी 9 साल की एक बेटी है जो कुलगाम के एक निजी स्कूल में पढ़ती है। दिनों रजनी बाला चवल गांव कुपवाड़ा में एक किराए के मकान में रह रही थी और गोपालपुरा में एक सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाया करती थी। दर्शकों, ज्ञात रहे कि कश्मीर में नियुक्त हिंदुओं को लगातार निशाना बनाए जाने के कारण प्रधानमंत्री रोजगार पैकेज के तहत घाटी के विभिन्न इलाकों में नियुक्त हिंदू वापस जम्मू में नियुक्त करने की मांग कर रहे हैं। वे लगातार प्रदेश प्रशासन पर दबाव बना रहे हैं और कह रहे हैं कि वे कश्मीर घाटी में असुरक्षित महसूस करते हैं। हालांकि पिछले दिनों उपराज्यपाल ने प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि वे घाटी में तैनात हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करें।